हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम बनाने वाले हैं वो है शिल्पकार आर्ट मग। इसे बनाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, वो है एक कप, आपके घर कोई भी पुराना कप हो आप उसे ले सकते हैं, और एक ब्लैक कलर ब्रश और शिल्पकार। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने कप को ब्लैक कलर से पेंट करना है इस टाइप से। देखिए कितना सुंदर पेंट हुआ है। जब ये आप इसे पेंट कर ले तो उसके बाद हमें इसके ऊपर शुरू करनी है शिल्पकार आर्ट। सो उसके लिए हमें चाहिए शिल्पकार, पेंसिल, पाउडर। पाउडर बहुत नीडेबल है, नहीं तो ये हाथों पे चिपकता है, और हमारी ग्लू। सो इसे बनाने से पहले प्लीज़ अपने हाथों को अच्छे से पाउडर लगा लीजिए, और बार बार पाउडर यूज़ कीजिए, क्योंकि जब आप इसे बनाएंगे तो ये आपके नहीं तो हाथों पे चिपकेगा और इसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। और जब आप इसे बनाएं तो इसे अच्छे से मिला लें दोनों को, बहुत अच्छे से, ताकि ये हमारा एक सॉफ्ट सा मिक्सचर बन जाए जिसे हम अच्छे से यूज़ कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने अच्छे से मिलाया है, और देखिए कितने अच्छे से मिल गया, इसका बिल्कुल वाइट कलर ही आ गया है। पर अपने हाथों पर आप बार बार पाउडर यूज़ कीजिए। सो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और फ्रेंड्स, जो मैंने ये डिज़ाइंस बनाए हैं, ये ज़रूरी नहीं आप एक ही मग पे बनाएं, आप इन्हीं डिज़ाइनों को, जैसे कि ग्रेप्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, या रोज़ हो गए, या वो मैंने चैन बनाई है, वो आप अलग अलग मग्स पे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आप एक मग्स पे एक डिज़ाइन भी बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। सो स्टार्ट। तो आप देखिए अब ये कैसे बन रहा है, और आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू। Thank you.
है गाइस, अब हमें क्या करना है कि जब ये सूख जाए अच्छे से हमें सुखाना है ताकि ये कहीं से भी गीला ना रहे और ये सख्त हो जाए। उसके बाद हमें इसे ब्लैक और गोल्डन कलर से इसे हम कलरिंग करेंगे। सो देखिए, अब हम इसे ब्लैक कलर से पूरे को कलर कर लेंगे। जो हमने सारे फ्लावर ने देखिए सारे फ्लावर हमने कलर कर लिए और इसे हम थोड़े से देर सूखने देंगे। जब ये कलर सूख जाएगा तो हम इसे ब्लैक इसे गोल्डन कलर कर देंगे टचअप देने के लिए, जिस तरह मैंने गोल्डन कलर से सारे फ्लावर्स को टचअप दिया है। सो आप भी अगर ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।